मुख्यमंत्री जी ने बड़ी विस्तार से बड़े सरल शब्दों में उन्होंने मनी ट्रेल की कहानी बता दी। जस्टिस संजीव खन्ना का उन्होंने वो भी बता दिया कि भाई वो कहते हैं कि 100 करोड़ वाला इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट। दूसरा, मनी ट्रेल जो ये ढूंढ रहे हैं ईडी वाले, साफ साफ हमने बताया कि कैसे शरद रेड्डी के उस के जो है रिलीज़ होने के बाद 50 करोड़ रुपये बीजेपी को बॉन्ड में दिए। अगर हम मांग भी कर रहे हैं, बॉन्ड दिखाने की हम बात भी कर रहे हैं, तो मनी ट्रेल तो साबित हो गई है। तो ये साफ साफ दिख रहा है, जो मनी ट्रेल ईडी हमारी पार्टी में ढूंढ रही है, आम आदमी पार्टी में नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में, और सही जगह वो अगर इंक्वायरी करेगी तो मनी ट्रेल भी मिल जाएगा, शराब घोटाला भी इनको जो दिख रहा है वो पता चल जाएगा, और पूरे देश में जो एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जो चल रहा है उसका खुलासा भी हो। आम आदमी पार्टी गोवा यूनिट एडवोकेट अमित पालेकर और हमारे और एक बड़े लीडर और हमारे एक कैंडिडेट भी श्री रामराव वाघ, प्रोफेसर रामराव वाघ जो गोवा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन दोनों को समन्स आया है ईडी का। और मुझे लगता है कि इस समन्स का डायरेक्ट कनेक्शन है जो अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट हुआ कुछ दिनों पहले। आपको पता होगा कि अरविंद जी ने इस अरेस्ट को अपील किया था हाईकोर्ट में, आज सुबह उसका हियरिंग था, और आपको आश्चर्य होगा सुनके कि इस हियरिंग में ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। अरविंद जी ने अपना अरेस्ट अपील किया, उन्होंने कहा कि ये अरेस्ट इलीगल है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी एविडेंस ऑन एनी सब्सटेंस। और जब कोर्ट ने ईडी को उनका रिप्लाई पूछा तो ईडी के पास कोई रिप्लाई नहीं था। ईडी का रिप्लाई क्या था आपको पता है? वो बोल रहे कि हमको 3 हफ्ते चाहिए रिप्लाई देने के लिए। मतलब ये तो पूरा मजाक हो गया। अभी आपने देश के सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया है, जिन्होंने 90% से भी ज्यादा सीट जीत के 2 बार सरकार बनाई है। आपने एक डायबिटिक पेशेंट जिनको दिन में 3 बार इंसुलिन लेना पड़ता है, ऐसे आदमी को आपने, और सबसे ज्यादा मतलब एक निर्दोष आदमी को, उन जिसके घर पे आपने इतने सारे रेड्स किए, आपको एक चवन्नी भी नहीं मिली, ऐसे आदमी को आपने अरेस्ट किया, और अब अरेस्ट करने के बाद बोल रहे कि आपको उनको क्यों अरेस्ट किया बताने के लिए 3 हफ्ते लगेंगे। ये तो सरासर मजाक है। और जैसे हमको पता है, ईडी का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि इस केस में कोई ट्रायल हो और इसका कोई निष्कर्ष निकले। द ओनली इंटेंशन ऑफ ईडी इज टू कीप आम आदमी पार्टी लीडर्स इन इम्प्रिजनमेंट। गोवा का क्यों कनेक्शन बैठा है? गोवा में भी क्या एक ऐसा पार्टी पार्टी को एक कैंपेनिंग के लिए कुछ 45 CR ऐसा दिया था, ऐसा बोल रहे? नहीं, ये तो उनका स्टोरी अभी 2 साल से अलग अलग फिगर्स दे रहे। मैंने कभी सुना, पहले जब ये बड़ा खुलासा हुआ था कि दिल्ली में लिकर स्कैम हुआ, 1000 करोड़ का हुआ था, फिर 100 करोड़ हो गया, अभी 45 करोड़ आप बोल रहे हैं, कहीं मैंने सुना 70 लाख भी है। तो ये स्टोरी तो उनका बदलते रहता है। लेकिन द मेन इशू इज दैट, जिनको पता नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि मैं खुद कैंडिडेट रहा हूं, तो जब कैंडिडेट नॉमिनेशन कंप्लीट होता है तो इलेक्शन कमीशन एक उनको रजिस्टर देती है, और उस रजिस्टर में वो कैंडिडेट को जो भी उनका डोनेशंस या जो भी उनका सोर्सेज ऑफ जो एक्सपेंडिचर है वो बताना पड़ता है, और जो भी उनके एक्सपेंडिचर्स है, उन्होंने क्या क्या खर्चा किया, वो पूरा लिख के बताना पड़ता है। और यही नहीं, हर एक कैंडिडेट के पीछे इलेक्शन कमीशन का एक फ्लाइंग स्क्वाड रहता है। आप घर से कदम निकलते ही उनका आदमी आपका पीछा करता है, जब तक आप रात में वापस घर नहीं चले जाते कैंपेनिंग खत्म करके। तो वो अलग से देखते हैं कि आपने किस किस पे खर्चा किया। तो ये जो ईडी बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे 45 करोड़ का खर्चा किया है, मुझे लगता है जो हमने रिकॉर्डेड खर्चा जो है, दैट इज अबाउट 3-3.5 करोड़ टोटल ऑफ आम आदमी पार्टी। तो ये इतना 40-42 करोड़ का जो डिफरेंस है, दैट एक्चुअली इलेक्शन कमीशन शुड हैव ट्रैक्ड इट। सो आप अब कैसे बोल सकते हैं कि देर हैज बीन 42 करोड़ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, वेन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ओन एजेंसी विच इज द इलेक्शन कमीशन, उन्होंने ट्रैक किया है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स ने क्या खर्चा किया, कहाँ खर्चा किया, कैसे खर्चा किया। सो लाइक आई सेड, इनका कोई भी देर इज नो बेसिस फॉर दिस केस,
और जैसे आज उन्होंने 3 हफ्ते मांगे जस्ट टू फाइल अ रिप्लाई एज टू व्हाई दे हैव अरेस्टेड मिस्टर अरविंद केजरीवाल, थैंकफुली आज कोर्ट ने बताया कि 3 हफ्ते तो आपको नहीं मिलेंगे, 1 हफ्ता दे देते हैं, उसके बाद वी विल पास आर ऑर्डर। उसको समन्स दे रहे और वो 1 हफ्ते के बाद कोर्ट को जाके बोलेंगे कि नहीं हमारा गोवा में इन्वेस्टिगेशन अभी चालू हो गया है, वी विल बी फाइंडिंग। नहीं बिल्कुल, जो वो कह रहे हैं कि मनी ट्रेल नहीं मिल रहा है, तो मनी ट्रेल तो वहां है और वही सीएम साहब ने कहा कि भाई उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और वही जो हमारे वकील साहब हैं रमेश गुप्ता जी, उन्होंने भी यही रखा कि उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फिर रिमांड को आप कैसे देखते हैं? रिमांड ये पूरा कोर्ट के ऊपर है, और हालांकि सीएम साहब ने तो कहा कि वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और उनको कोई आपत्ति नहीं है अगर उस तरीके से रिमांड अगर आगे भी बढ़े तो, जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो मान जाएंगे। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर